गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। राम राम जी सारा ने, कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होगे और बढ़िया रहने चाहिए। और वे टाइम फिलहाल हो रहा है सुबह सुबह का, यानी टाइम 10:15। सॉरी 8:15 हो गए हैं। और आज मैं खेत में नहीं गई क्योंकि मैंने धोने थे कपड़े कपड़े, और मेरी माँ आई नहीं है। मेरी माँ देखो आज आओगी कल आओगी, अभी पता नहीं है। फोन करा था तो उठाया नहीं। तो भाई देखो, और आज सैटरडे है तो इसलिए सुबह सुबह लग रही है मशीन, क्योंकि भी सैटरडे तो सुबह सुबह मशीन का ही काम चालू हो जाए। और खुशी ने लगा दिया है झाड़ू पोछा कर रही है वो, और मन ने मैं कर रही हूँ फिलहाल खाने की तैयारी, आटा उटा लगा दूं। उसके बाद भी खेत में जा रहे हैं राहुल, उसके पापा आ रहे हैं खास कुछ मारन शायद दाना में, तो रोटी तो इतना बने नहीं। तो मैं इतने बर्तन रह रहे हैं, चाय के पड़े हैं, बर्तन साफ करूंगी, चून भेज दूँ और एक बार फिर कपड़े निचोड़ूंगी, सुखाऊंगी साथ साथ। इतना हो जाएगा मैं शायद आ टाइम, क्योंकि मैं शायद पता 9 बजे गाँव आले है तो गाँव ने कट रहा आज कति चमक चमकेदार। तो फिर मैंने भैंस बांध खानी, इतने खेत आ जाएंगे फिर रोटी बनाऊंगी, तो नहीं चले जाए काम फटाफट। और देखो आज अभी मैंने बनाई लाल मिर्चा की चटनी, वही मैं मुँह ना जलता ज्यादा क्योंकि सब्जी खा खा काम हो गए बोर, तो आज मैंने बनाई है चटनी। तो आज हम चटनी खाओगे और खुशी तो अपना काम करके ही बैठ जाएगी। देखो मेरा काम रह गया है, देखो अपना काम करके फ्री मेरे किसी रही रहेगी तो बैठ तो जाएगी ना बीच में रेस्ट। मेरा तो ही भाई मैं चून भी हूँ, कासन मांझू लगते फिर निचोड़ू सुखाऊ फिर मैं बांध खाऊंगी। मेरा तो नहीं चलने जा खेत आ गए। हाँ टाइम हो रहा है 10 बज चुके हैं और मैंने कुछ कपड़े धो दिए हैं, कुछ रह रहे हैं धोन ला रही हूँ। अभी रोटी बनाई नहीं है क्योंकि भाई सब खेत में जा रहे हैं और बिना ये खेत में तो नहीं आ लेंगे, इतना मैं रोटी कैसे बनाऊं। काम लकड़े और मैं बूंदा दऊं तो जो काला पतला पर उतर जाएगा परे। बूंदा देखो किसी काम में आ जा रहे हैं आलू, बनेगी दाल। कई दिन हो गए तो परसों भी आलू थे बेटा, अरे एक दिन छोड़कर तब भी आलू थे। बना दूं? ना दाल बनेगी आलू आलू। और भी कुछ दिखा है गे? एक नीचे नीचे देखा है खुशी के ना के झगड़े हो रहे हैं, उठ बद है दोनों आगे, इसका भी उठ बद गया इसके भी बद गया। आलू बता दो ना 5 के 10 किलो कर दो, उठ बताओ इतने और क्यों कर बता। क्यों क्यों मैं तला तेरी कर दू। हाँ इतनी शुद्धि छोरी है, इतनी पढ़े जा है, ये पढ़ते नहीं ना लायक कहीं के, सो जाए तो उठन का नाम नहीं लेंगे, सो जाए तो उठन का सो जाए तो उठने का नाम नहीं लेती। इसका कुछ पॉइंट याद आ रहा होगा जाती का तो पॉइंट बोल दे। ये बता ये इसके लिए कम बैरी दे किल्ले बैरी करने
तारीफ करो। तू बता फिर, मैं तो कुछ मानती नहीं, अच्छी है बस, सारा काम कर दे। देख दो अपन होगा इतनी नहीं तू ये फेंक दे, फिर तू ये बता दे, मन में कुछ बात चल रही है उसको बोलो बाहर निकालो। जिम्मी तो कंपैरिजन करेगी मेरा, तो फिर कर ले, जब तक मन की बात नहीं निकलेगी तो क्यों कर पूरा होगा। ले थोड़ी चाय बनानी के नहीं बोलेगी वे, आप तेरी तारीफ करियो, मैं आपको जिम्मे बताऊं। चल ले तू, इतने इतने दिन पाछ के करोगे आप खुद ही तारीफ ले, कल ले करोगे इसकी फिलहाल बता तो दी मैंने, नमन तो सुतरी कही है ना, ठीक है अपने काम बहुत करे है। और बोल, सुबह से लेकर शाम मतलब बना दो फिर ताई खुशी यो कर दे, रोटी बनाऊं फिर भी मैं बर्तन साफ करूं या ही करे गैस स्लैब साफ। बोल लंबी फैक्ट्री को ना, मैं फैक्ट बता रही हूँ। वही देख, मैं तो फिलहाल फैक्ट बता रही हूँ जो दिन भर करते, बड़ी बड़ी के करूँ, रियल भी हो और बड़ी बड़ी भी हो, नु क्यों होया करे। और बड़ी बड़ी रियलिटी बताऊं, सॉरी 3 बजे अलार्म भरा है, 3 से 3:30 बजे वह उठ ले है, पेरवा पड़े है पेरवा ये बता, ये रियलिटी है या कोई गलत है। बड़ी भी है और बड्डी भी है, 3:30 बजे उठना रियल टीवी है, तो नहीं कोई है रियल भी और बड्डी भी ये बिस्की तो इतनी बड्डी रियल को ना या 3:30 बजे उठा है। मामी आपने देखा तेरे कई मतलब, और भाई फिलहाल टाइम हो रहा है पौने छह भाई, मौसम ही खा रहा था, बारिश आओगी देखो बाहर की तरफ, बल्कि कपड़े सूखे हैं मैंने उतारे भी नहीं है, बाद में धोए थे सूखे नहीं थे, हल्के हल्के फुहारा भी थे उस साइड डालने पड़ गए थे, और ये भी मौसम ऐसा ही हो रहा भी कभी नहीं जानू बारिश आओगी। और मैंने आज बनाएगी दाल, तो देखो मैंने दाल चढ़ा दी है, बर्तन भी साफ कर दिए हैं, और ये आज आलू मंगाए थे तो इन आलुओं ने मैं भी रत आ जाऊँ थैली खोल दूँ, और ये मौसम पूरा दिन ऐसा हो रहा है जानू ये आओगी बारिश ये आओगी, और आज तो फिर भी अल्लाह अल्लाह करके थे, और जिमी घूमन लग गई, जिमो देखो कैसे बोलते है कान खड़े कर लिए, ए जुड़ी के जल्दी आई है बाट देखे जाए, मैंने को बुलावे मैं आऊं है ना, जिमो और वही फटाफट ही, और मैंने प्याज भी कट कर दिए हैं, ये बस एक वो जो कपड़े सूखे हैं उनकी तय बना दूंगी, और फिर दूध दाद का भी करना है, बारिश का मौसम हो गया है, बारिश मौसम समझ लो, आती भी नहीं रनती भी नहीं, काम कति डोब दे है खराब कर दे है। और भाई अब की बार तो मोस्टली जंगा मतलब इतनी बारिश आ रही है, भगवान से यही दुआ करेंगे कि उन बेचारों को मिलना चाहिए, और उनकी मदद करो तो जितनी हो सके मदद करनी चाहिए हमें, बेचारा के घर बार डूब जा है, छत टूट जा है, पानी के भर जा है,
अपनी तरफ से भी पूरी कोशिश करनी चाहिए। और ये देखो ये लगा दिए मैंने आलू, और भाई ये है तो मिट्टी से के हैं, ये इन्हें धो नहीं सकती मैं, क्योंकि अगर मैं इन्हें धो कर रखूंगी ना तो ये जल्दी खराब होते हैं। ये हमने आजमा कर देखा है, कई बार मैंने धो दिए थे पर ये जल्दी खराब हो जाए। और ये प्याज है, नीचे वाले में प्याज है, इसमें आलू है, तो ये मिक्स लिया था ना, छोटे बड़े सारे डालते हैं। और वही बस अब मैं कर लूं कपड़े की तय, क्योंकि बाहर का मौसम हो रहा है कुछ इस तरह का, देखो बिल्कुल जब बारिश आओगी और हवा भी कति तेज चल पड़ी है। और जी मैं रुक जा, मैं वो कपड़े तार दूं फिर करूंगी तेरा काम, या भाई दूध की मारी आंद है क्योंकि शाम का टाइम है, मैंने मेरा इसने आके रसोई में जाल नहीं है तो मेरा काम ही। तो 2 मिनट जा बस, मैं को कपड़े 2-4 हैं इनकी तय बना दूं, फिर मिलते हैं भैया आपसे। फिलहाल भी टाइम हो रहा है 9:33, यानी 9:30 से भी ज़्यादा हो गया है। और ये भाई मेरा काम नहीं हुआ है, भैया जा रहे थे गेस्ट घर में, तो बस उनकी रोटी बनाई है लास्ट की, और तो मैंने सारे बर्तन बर्तन साफ कर दिए थे लास्ट के लिए थी, ये भी खाना खाने लग रहे हैं तो उनके बर्तन आ जाएंगे जो, और 2-4 बर्तन ये साफ करने हैं। तो ये फिलहाल हमने गैस वैस साफ कर दी है और बस ये बर्तन साफ करना है, नीचे तो बर्तन आ जाएंगे। और जी मैं देखो इतना मैं ना रसोई में डाल में इतना आड़े खड़ी रह गई, अंदर सर चल अंदर चल जी अंदर सर। और भाई जो चैनल पर नए हैं चैनल कर दिया सब्सक्राइब, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करके जाया करो, और बताया करो भी ब्लॉग किसा लग गया। ये तार ले ऊपर इस जिमी के ना, मैंने रोटी तोड़नी पड़ेगी, तोड़ दी थी मैंने वैसे मैंने इसकी। जिमी ले अरे भाई ये बर्तन साफ कर दूं 10 बज जाएंगे, और कमर में दर्द हो रहा है कभी जबरदस्त वाला हंसता, पर चलो भाई अभी खड़े खड़े खाना बनाओ जो कुछ भूखे हो जाए, इतने शुक्र को मैंने पंखा चला रखा है। और भाई बस आज का व्लॉग है, बस ये छोटा सा व्लॉग है, बच्चे पढ़ने लग रहे हैं और मेरी माँ कल आ जाएगी, मेरी माँ बिना भी ये घर बिल्कुल खाली खाली हो रहा है, मज़ा ही नहीं आता। जब कुछ हो रहा है वो भी मिलते हैं कल और एक नए व्लॉग में, कल तक के लिए अपना अपने परिवार का रखिए ध्यान, आप सभी को मेरी तरफ से राम राम।